प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के मकान पर चला बुलडोजर, घर से मिले पीएफआई के झंडे और आपत्तिजनक साहित्य। अयोध्या कचहरी में बम ब्लास्ट की धमकी, पुलिस छावनी में तब्दील हुई रामनगरी। जौनपुर में पिता ने पुत्र को कुल्हाड़ी से काट डाला, हत्यारे पिता ने जो वजह बताई सुनकर सब दंग रह गए। सरसों तेल के दाम में 20 रुपए की आई गिरावट, बिस्किट मैगी और कोल्ड ड्रिंक के बढ़ गए भाव। 3.5 घंटे में बवाल के मास्टरमाइंड जावेद पंप का 2 मंजिला घर जमीन दोस्त। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत के बिगड़े बोल, महिला पत्रकार को कहा भूतनी। फतेहपुर के डीएम की बीमार गाय के लिए लगाई 7 पशु चिकित्सकों की फौज, सीबीओ ने रोजाना तय की ड्यूटी। हयात सफर हाशमी से जुड़े बिल्डरों पर केडीए की कार्रवाई, हाजी वसी की 3 इमारतें सील। कासगंज में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू पिकअप ने ट्रॉली में मारी टक्कर, महिला और मासूम की मौत। बेटी ने किया सपना साकार, सिपाही के बाद अब सब इंस्पेक्टर बनी, अब पीसीएस परीक्षा पास करने के प्रयास। महाराष्ट्र में थम नहीं रहा कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 2,946 नए मामले, डरा रहे संक्रमण दर। अफगानिस्तान में फिर हुआ विस्फोट, एक तालिबान सदस्य की मौत, 6 नागरिक घायल। यूएनजीए ने बहुभाषावाद पर अपनाया संकल्प, पहली बार हिंदी का किया गया उल्लेख। यूक्रेन के 15 साल के किशोर ने ड्रोन के जरिए रूसी सेना के 20 टैंक और ट्रक नष्ट किए। रूस में पाया गया ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.4, रूसी स्वास्थ्य निगरानी ने दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र ने की कैमरून में अस्पताल पर हुए हमले की निंदा। सानिया मिर्जा का बेटा बना फराह खान की फिल्म का नया हीरो, सिर्फ इतनी फीस में करेगा काम। सुनील गावस्कर ने हार्दिक पांड्या को गेम चेंजर बताया, अफ्रीकी दिग्गज ने जीटी के कप्तान को नहीं बताया फिनिशर। गोलकीपर श्रीजेश के कमाल से भारत ने पेनल्टी शूटआउट में जीती जंग, ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम को 5-4 से हराया। श्रीलंका ने T20 में आखिरी 3 ओवर में सबसे ज्यादा रन ठोकने का बनाया रिकॉर्ड, कप्तान दासुन शनाका ने भी रचा इतिहास।